थिंक द बेस्ट थिंग इज डॉनिंग द वर्दी एवरी डे इन द मॉर्निंग. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट योर प्रेपरेशन. नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं. पटना की सड़कों पर हुड़दंगियों को खदेड़ते तो कभी नेताओं से बहस करते तो कभी बीच सड़क अपने सहयोगियों को हिदायत देते. वर्दी पहनी एक महिला की चर्चा आजकल चारों तरफ है. नाम है काम्या मिश्रा. विश्व में आज का दिन महिलाओं को समर्पित है. आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. हर जगह इस दिन को महिलाओं के लिए खास बनाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आज टू दी पॉइंट के अपने खास कार्यक्रम में इस चर्चित आईपीएस ऑफिसर के किस्से आपके सामने रखा जाए. बेहद कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली काम्या मिश्रा का आईपीएस तक का सफर काफी दिलचस्प है. आपको जानकर हैरानी होगी कि काम्या मिश्रा अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्वालिफाई कर आईपीएस तक का यह मुकाम उन्होंने हासिल किया है. काम्या मिश्रा मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है. बचपन से ही काफी होनहार रही. वे 2014 में रीजनल टॉपर भी हुई थी. अप्रैल 2019 में आए यूपीएससी के रिजल्ट में उन्होंने 172वां रैंक हासिल किया था. उनका मेंस पेपर राजनीतिक विज्ञान रहा था. उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. साल 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद काम्या मिश्रा को हैदराबाद पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था. दूसरे चरण की ट्रेनिंग के बाद इन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के नाहन में भेजा गया था. वो हिमाचल प्रदेश कैडर की आईपीएस थी, लेकिन बिहार कैडर के आईपीएस अवधेश सरोज से शादी के आधार पर वे हिमाचल प्रदेश कैडर से बिहार कैडर में स्थानांतरित हुई हैं. बिहार में उनकी पहली पोस्टिंग वैशाली जिले में बतौर एएसपी यानी सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर हुई थी, लेकिन पिछले साल सितंबर 2021 में उन्हें वैशाली से पटना ट्रांसफर करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सचिवालय के पद पर तैनात किया गया है. सचिवालय में तैनाती के बाद काम्या काफी ज्यादा चर्चा में आई हैं. सचिवालय थाना में चिराग पासवान से बहस करते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था. इसके अलावा काम्या मिश्रा को पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले की जांच का भी जिम्मा सौंपा गया है. आपको बता दें कि उनके पति अवधेश दीक्षित भी 2019 बैच के आईपीएस हैं और पटना जिले के पालीगंज एसडीपीओ के पद पर तैनात हैं.